हे गाइस, वेलकम अगेन टू ऑटो लाइव। आई एम योर होस्ट जतिन और मैं हूँ यहाँ पे हुंडई के पवेलियन पे, जहाँ पे इन्होंने अपनी आयोनिक 6 शोकेस कर रखी है। अभी रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे आयोनिक 5 का लॉन्च किया है। ये है आयोनिक 6, जो कि एक तरह से कहा जाए आयोनिक 5 का एल्डर सिबलिंग होगा और ये देखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी है कंपेयर टू द आयोनिक 5, जिसका एसयूवी स्टैंड है आयोनिक 6। एक ऐसे स्पोर्टी इलेक्ट्रिक एसयूवी बना रखी है। आप इसका हेडलैम्प डिजाइन देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, नीचे डीआरएल मिलते हैं, डिजाइनिंग बहुत क्लीन है। आपको यहाँ पे सटल हुंडई की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके साइज में मूव करूँ तो आप देखेंगे कि इसे लोअर बम्पर कितना अच्छा बना रखा है। साइड में आपको यहाँ पे 21 इंच के डुअल डोर एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, काफी प्रीमियम लुकिंग व्हाइट इंटीरियर्स मिल जाते हैं। इस एसयूवी को कंपनी को बनाने का टारगेट है टू मेक इट मोर एरोडायनामिक, तो इसमें इन्होंने कई सारी चीजें करी है इस गाड़ी को एरोडायनामिक बनाने के लिए। अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ मूव करूँ तो इसका रियर भी काफी कूल दिखता है, मतलब बहुत यूनिक लुकिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे इधर आपको कुछ एलईडी पैनल टाइप का मिलता है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं, इसकी टेल लाइट डिजाइन बहुत बढ़िया है, नीचे आपको वर्टिकली स्टैक लाइट्स भी मिल जाती है, लोअर बम्पर का आप डिजाइन देख सकते हैं। तो ये गाड़ी जो है कंपनी ने ज्यादा एरोडायनेमिक स्पोर्टी और लग्जरी बनाने की कोशिश करी है। 5 सीटर कार है ये और ये आने वाले वक्त में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको हुंडई की आयोनिक कैसी लगी। अगर आपको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का आइकन दबाना ना भूलें, हमारे सबसे पहले मांगेंगे।